पे पहले अपनी जान बचानी है, फिर दूसरी की। ध्यान रखना कि पहले अपनी बाइक को सेव करना, देन दूसरे के पास जाना। वर्ल्ड सिक्स हाईएस्ट मोटेबल पास पे हम पहुंच चुके हैं, मिंगला पास पहुंच गए। हम जा रहे हैं उमिंगला की तरफ, और उमिंगला है हानले से 92 किलोमीटर, और उमिंगला जाने में अपने को एक पास और आएगा जो है फतुला या फितुला ऐसे कुछ है, जो कि अब यहाँ से है 50 किलोमीटर और हानले से है 55 किलोमीटर। बाकी रोड बहुत अच्छी है। ये पहली BMW 310 होगी RR जो पहुँचेगी उमिंगला पास पे, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। अपने पे है दो ऑप्शन, इधर से घूम के जाऊं या इधर से यूं सीधे निकल जाऊं। मैं सोच रहा हूं इस बार सीधे निकल जाते हैं, पावर तो एक्स्ट्रा लगेगी भाई, बट आई ट्राई। BMW 310 ऑन दिस ट्रेन आज तक किसी ने नहीं किया, हम करेंगे ना, तभी तो हम अलग हैं सबसे। अभी तक तो कोई लद्दाख भी नहीं लेके आया ना, हफ्ते भर के अंदर परचेज करते ही हम ले आए, यही तो बात है। फुल ऑन बवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक बाइक बिल्कुल ऑसम चल रही है, पहले गियर पे, दूसरे पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। अच्छा, ओहो, विदाउट शॉर्टकट हमसे पहले, बट मैं लेट में भी तो निकला था। एक शॉर्टकट और दिख रहा है मुझे, नहीं थोड़ी सी बैक आ गई। गिर गई भाई साहब, गिर गई। उधर से उठा, यहां से चल। 1 2 3 1 2 3 यहां से पकड़, यहां से चल। 1 2 3 जान दे, खड़ी हो गई, रुक जा पकड़े हुए। साल तो पता है पे, ऑल गुड, छोड़ दे तो हाँ। हाँ पता है गिरते नहीं, कौन नहीं नहीं पता क्या हुआ, वो मिट्टी में फंस गया मैं, वो रेत में फंस गया। हाँ कोई ना, मैं मेरा हाँ। और अक्षय मेरे को बचाने के लिए पहले उसने अपनी बाइक लगाई आगे, तब आके बचाया। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि पहले अपनी बाइक को सेव करना, देन दूसरे के पास जाना, नहीं तो अगर अक्षय ने वहीं रोक दी होती अपनी बाइक तो दिक्कत हो जाती उसको भी और मुझे भी, तो दोनों परेशान हो जाते। इसलिए पहले उसने अपनी सेव की, देन मेरी बचाई, ठीक है। तो ये एक और लेसन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसी जगह पे पहले अपनी जान बचानी है, फिर दूसरे की। अब नहीं लूँगा शॉर्टकट भाई,
इतना बात है दिखाने के लिए, ये शॉर्टकट के लिए बनी ही नहीं है, बनी जब होती जब इसके जो ग्रिप हैं वो थोड़े और अच्छे होते, बट इसके ग्रिप नहीं है। वो तो अपोलो टायर्स लगे हुए हैं इसमें अल्फा H1, जिसकी वजह से थोड़ी मोड़ी तो ग्रिप मिल रही है, नहीं तो स्पोर्ट्स बाइक ऐसा ट्रेन के लिए नहीं है भाई, जो हम कर रहे हैं ना उसके लिए नहीं बनी स्पोर्ट्स बाइक, मानो या ना मानो। मैं एक और शॉर्टकट लेता बट फिर मैं ऐसा नहीं हुआ भाई, शॉर्टकट लेने का मन ही नहीं हुआ, अब नहीं लूँगा। बाइक की एवरेज सीधे डाउन हो गई यार, 223 पहुँच गई हैं, अच्छा खासा 70-80 पे था मैं, 223 क्यों? क्योंकि इंजन पावर ज़्यादा लग रही है, तो इंजन पावर ज़्यादा लेगा तो पेट्रोल भी ज़्यादा लेगा, इसी वजह से वो ज़्यादा ले रही थी। अब कोई नहीं, पर आम आराम से चलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज भी निकालनी ज़रूरी है। अब मिट्टी वाले पहाड़ ख़त्म, तो अब ये बर्फीले पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं, जिस पे हम करेंगे चढ़ाई अपनी, मिट्टी वाले पहाड़ पूरे ख़त्म करके दूसरा स्टेप हम जाने वाले हैं इसके ऊपर। मेरे ख्याल से इसी पे होगा टॉप, 30 किलोमीटर अपने को इसी पे चढ़ना पड़ेगा। ओहो, धूप है थोड़ा ठीक है, मगर ठंड अब यहाँ से लगने स्टार्ट हो गई है। बाइक बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो ऑक्सीजन लेवल ख़त्म पहला, सेकंड चढ़ाई ऐसी कि भाई अगर पहले गियर से एक्स्ट्रा गियर पे चल रहे हैं तो बाइक नहीं चल पा रही, और पहले गियर पे हाई आरपीएम पे ही चढ़ रही है। ये देखो ये दूसरा गियर है, ये पहला गियर लगाया तो चल रही है भाई, बहुत ही सीन है ये, और वो दोनों तो बहुत पीछे हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे, एवेंजर और R15 बहुत पीछे है, उनको अभी यूं यूं घूम के यहाँ आना पड़ेगा। सही में भाई मैं समझ रहा हूँ हमारी स्ट्रगल कर रही है, तो उनकी तो सांस रोक दी होगी पूरी, तो पैर भी उनके नीचे लग ही रहे होंगे चढ़ाने के लिए। और हम पूरा नीचे से गोल 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 घूमते हुए आ रहे हैं। बाकी चलो भाई, वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटेबल पास पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि है फोतुला, और अपनी BMW 310 RR, पहली BMW 310 RR होगी जो कि फोतुला टॉप से आगे जा रही होगी उमिंगला पास के लिए। और भाई ये अचीवमेंट बहुत तगड़ी है, चलें आगे, वापसी में आएंगे फिर फोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे। ये पास है 18,124 फीट, और अब हम जा रहे हैं 19,300 कुछ फीट पे, और पहले मेरे ख्याल से ये पहाड़ी नीचे उतरनी पड़ेगी। ये रास्ता देख रहा है ऐसे शाइन 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 नीचे जा रहा है, उतर के फिर दोबारा से दूसरी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, आई थिंक ऐसा ही है। और एक रास्ता ये ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका कुछ नहीं पता, देखते हैं जो भी होगा। और अपनी BMW को ऐसी ऐसी जगह लेके जाऊंगा जो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा, जैसे फितुला पास आ गया, आज तक कोई अपनी BMW नहीं लेके आया होगा 310 RR, और ना ही उमिंगला पे लेके गया होगा। तो हम ओनली इन इंडिया होंगे जो हमारी BMW इन दोनों पास को क्रॉस करते हुए आगे जाएगी। फोतुला पहाड़ ये है पूरा, चढ़ के फिर उतरे हम, हमें अगर पता होता तो हम नहीं जाते, बट सही है, अनएक्सप्लोर जगह पे हम होके आ गए। फोतुला टॉप, उमिंगला है 37 किलोमीटर, ठीक है 37 किलोमीटर तक अपने को इसी रोड पे रहना है। शायद एक कट और है जो राइट लेने पे सीधे दोबारा से चढ़ जाता है फितुला पे, तो ये कोई बॉर्डर है
इंडो तिब्बतन बॉर्डर भाई, और कोई गांव भी आने वाला है, चसी मुल्ले ऐसे कुछ करके है, प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप एक बार देख लेना, कोई बोर्ड आएगा तो मैं दिखाता हूँ, है ना। तो पूरा आर्मी बेस कैंप है यहाँ पे, लड़ाई करेगा साला। ये बीच में गैप देख रहे हो, इस गैप, ये एक पीछे वाला एक पुल था, उस पे तो बहुत दिक्कत हो गई मेरे को, अलग ही फट गई, ऐसा लगा कि अभी दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो, वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये बिग अचीवमेंट्स, बवाल, फुल ऑन BMW 310 RR ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, फुल आग, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान रेगिस्तान जैसे पहाड़ हैं, वो बर्फीला पहाड़ देख रहे हो, वहां तक जाना है अपने को, और अभी भी 30 किलोमीटर जाना है। और अपने को हानले से, हमने जो क्या नाम है, फितुला पास किया, उसके बाद हम उमिंगला जा रहे हैं, तो ये अपने को लगभग वही पड़ गया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ गया पूरा घूम के, गोल घूम के वापसी हानले। सही है, 100 किलोमीटर में दो पास कवर हो रहे हैं, अच्छा है भाई। देख रहे हो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ये शायद से, हाँ ये देखो, ये पानी वानी आता है यहाँ से, वाटरफॉल वगैरह है ये, और ये पूरा फ्रोजन हो रखा है, पूरा जम चुका है यहाँ पे। और मैं रुक गया था क्योंकि मैं काफ़ी आगे चल रहा था, और ये देख रहे हो ये टूट गया भाई, कोई फायदा ही नहीं है इसका, तो मना ही कर रहा था मैं कि नहीं लेते हैं, बट फिर सबने लिया तो हमारा भी मन कर गया, हमने भी ले लिया, अच्छा है। क्यों, धूप है यहाँ पे मज़ेदार, फुल पावर धूप हो रखी है, राइड करने में मज़ा आ रहा है, मतलब ठंड नहीं लग रही है ना, इस वजह से मज़ा आ रहा है, ठंड तो वैसे भी नहीं लगती, बट ये उंगलियाँ ना सुन हो जाती हैं। और तो मैंने फुल अपने आप को पैक कर रखा है, अंदर लाइनर वगैरह सब कुछ पहन रखा है, जिससे हवा वगैरह ना आई जाए। और यहाँ से 41 किलोमीटर रहता है दिमचोक, ये कोई एक गांव है, शायद उमिंगला के बाद आता है ये गांव, बट अपने को तो उमिंगला जाना है, और उमिंगला रहता है यहाँ से 13 किलोमीटर। हर मोड़ पे अलग व्यू मिल रहा है, अब देखो इस जैसे मोड़े धूप खत्म, गायब धूप, ठीक है। वो देख रहे हो वहाँ पे एक हट सा बना हुआ है, तो वही है उमिंगला टॉप। और भाई बोलने में इतनी सांस फूल रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रही है। और अभी यहाँ से है उमिंगला 3 किलोमीटर भाई, ये 3 किलोमीटर ना जान ले लेंगे, क्योंकि तो चढ़ाई है ना, चढ़ाई बिल्कुल यूं है खड़ी, बाइक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, बट कोई नहीं, आई डू इट, पूरी जान लगा देंगे करने में। फाइनली वी आर रीच उमिंगला पास भाई, हैट्स ऑफ
टू अस कि हम उमिंगला पास पहुंच गए। ये फाइनली 19,024 फीट उमिंगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास इज उमिंगला। और अब यहाँ पे अपनी ब्यूटीज को लगाएंगे और फोटोज क्लिक करेंगे। शो मैन, उमिंगला पास 0 किलोमीटर्स, सत्यम बहुत पीछे आ रहा है, फिर चलते हैं आगे। हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे पे भी, क्योंकि उमिंगला में ही है वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे जो संभाल रहा है BRO, और इनके पास है वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, डू वन कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको ऐसी ही बढ़िया सी किसी दूसरी वीडियो में। इतना ही बोलने में भाई सांस फूल गई अपनी। हो टाटा।